प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोजाम्बिक पहुंचे, जहां राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कहीं समझौते हुए। लेकिन जो सबसे अहम समझौता हुआ है वो है दाल आपूर्ति समझौता, जिसे भारत के लिए काफी जरूरी माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ, आम जनता की थाली में दाल क्या मायने रखती है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से दाल की कीमत में हो रहे लगातार इजाफे ने लोगों की थाली से दाल कहीं गायब कर दी है। पिछले महीने दाल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। कभी 65 से 70 रुपए किलो बिकने वाली दाल दोगुनी कीमत पर बिकी, जिसने न सिर्फ आम जनता की मुसीबतें बढ़ाई बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। जिसके बाद इस समस्या से निपटने के लिए अब मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। देश में दाल की आपूर्ति के लिए भारत ने मोजाम्बिक से समझौता किया है। गुरुवार को अफ्रीकी देशों की यात्रा के तहत मोजाम्बिक पहुंचे पीएम मोदी ने वहां के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए, लेकिन दाल समझौते को सबसे अहम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अब भारत मोजाम्बिक से 5 साल में 2 लाख टन अरहर दाल का आयात करेगा। एक साझा तय कीमत पर मोजाम्बिक हर साल भारत को दाल मुहैया कराएगा। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय दाल बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी से निपटना आसान होगा। साथ ही साथ इससे भारतीय बाजारों में दाल की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। वैसे इस समझौते से जहां भारत में दाल की आवश्यकता पूरी होगी, वहीं मोजाम्बिक के किसानों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही भारत के किसान भी वहां जाकर मोजाम्बिक के किसानों की मदद कर पाएंगे। मोजाम्बिक में खपत से कहीं ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, जबकि भारत में इसकी मांग काफी ज्यादा है। लिहाजा ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौता माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए ये समझौता क्यों अहम है। पिछले 2 साल में दाल का उत्पादन औसतन 1.70 से 1.80 करोड़ टन रहा। देश में 1 साल में 1.80 करोड़ टन उत्पादन हुआ, लेकिन